गौर से एकदम रात में नानी ने कितना अच्छा झूला बना दिया है, अब विश्वेश हो जाया करना है। ठीक है भाई, ठीक है। वाह, अब लीडर जैसा हो गया। ठीक है गुरु, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अब एकदम पकड़ के बैठती थी, अब सोच रही है क्या मैं लेट कैसे गई। प्लास्टिक वाली नई लस्सी है ना ये? हाँ ये घूमती रहती है, बहुत अंटे लगते हैं इसमें। अरे तो मैं घुमाई तो रही थी उसको, एक बजे से मैं घुमा रही थी। मैं इसको इधर दिखाया, किचन में ले गई, इधर फूल। उसकी तो दिन में ही रात हो जाती है, हो जाती है। 3:30 बजे सोई, फिर सही प्रॉपर नींद तो इसने 3:30 बजे ली है, वरना मम्मी 2:15 पे देके गई थी मुझे, तो मैंने चलो सो गई है। फिर मैंने जैसे ही उसको नीचे लेटा ला वैसे ही उठ गई। तुम्हारी बुराइयां हो रही है, तुमको पता चल रहा है, हैं? तुम्हारी बुराई हो रही है, बुराई कर रहे हैं तुम्हारी, हम कर रहे हैं बुराई। तुम बहुत गंदी हो गई हो ना, है ना? अब इस पे सो जाना, नानी ने झूला बना दिया है लेटने वाला। जुकाम हो गया इसको, लगातार छींक रही है। अब मौसम अच्छा हो गया क्या? हवा तो अच्छी चल रही है, नहीं धूप नहीं है आज, देखो। धूप नहीं है लेकिन उमस बहुत हो रही है। थोड़ा सा और ऊपर करो, सही है। इसका धागा पहले कितना छोटा छोटा सा आया था ना धागा, ऐसे मारो, ऐसे पकड़ो। अब आ गई फिर से धूप। चलो तुम झूलो, हम अपना काम करें। देखो हमारे बेड की हालत, फ्लावर पॉट में से फ्लावर्स रखे हुए थे, उसमें से ये पत्तियां तोड़ तोड़ के लेकर के आई है। उसने गुस्से की वजह से जो है ना पत्तियां तोड़ दी उसकी। खैर चलो अभी मैं बेड को क्लीन कर देती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे मेरा अभी बेड वेड सब कुछ ठीक ठाक हो गया, मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है। अब मैं निकालूंगी कपड़े वॉश करने के लिए, तो काफ़ी सारे कपड़े जो है ना मेरे इकट्ठे हो रहे हैं, तो बस मैं ना जो है उसको निकालूंगी फिर वॉश करूंगी। और मैं ऐसे डेली कपड़े जो है ना वॉश नहीं करती, क्योंकि मशीन में ही डालने होते हैं, तो मैं ऐसे 3-4 दिन के इकट्ठे कर लेती हूँ, उसके बाद में ही वॉश करती हूँ। लेकिन होरेंट के डेली ही वॉश होते हैं कपड़े। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुलबुल लाइफस्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर्स। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे थे कहीं बाहर, क्योंकि हमारे पास जो है ना किसी का फ़ोन आया,
तो हम लोग को अर्जेंटली वहाँ पे जाना है। उससे पहले जो क्या है ना, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और जैसे ही घर से बाहर निकलो ना, वैसे ही जो है ना इतनी ज़्यादा धूप होती है और पसीने में एकदम तरबतर हो जाते हैं। तो पसीने की बदबू आप लोगों को भी पता ही है कि कितनी ज़्यादा बुरी आती है। तो इसलिए जो है ना परफ्यूम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और एक अच्छा परफ्यूम जो कि सर ना चढ़े। वैसे भी आप लोगों को पता है कि परफ्यूम मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन अगर कोई माइल्ड फ्रेग्रेंस वाले परफ्यूम होते हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो वाकई में जो न्यूड है, इन्होंने जो है ना ये माइल्ड फ्रेग्रेंस वाले परफ्यूम निकाले हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा लग्जरी भी हैं। और इन इसमें पता है छोटी छोटी बॉटल्स हैं, इसमें 6 बॉटल्स निकलती हैं, अलग अलग फ्रेग्रेंस की हैं, अलग अलग टाइम और मूड के हिसाब से आप अपना जो है ना फ्रेग्रेंस यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली ये बनाया गया है गर्ल्स और वुमेन्स के लिए। तो ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को ओपन करके, कुछ इस तरह से ये परफ्यूम्स हैं, और इसके अंदर हमें 6 परफ्यूम मिल जाते हैं। छोटी छोटी सी बॉटल्स है। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ मैग्नेट वाली, ठीक है। तो अभी मैं जो है मैग्नेट वाली गाइस, जिसकी फ्रेग्रेंस जो भी है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप लोगों को इसकी खुशबू को फील करना है तो उसके लिए आप लोगों को पहले बाय करना होगा, है ना। सो लेट मी शो यू ऑल दिस फ्रेग्रेंस वन बाई वन गाइस। पहला जो परफ्यूम है हमारा वो है टाइमलेस, और ये जो परफ्यूम है ये डेली यूज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें है फ्लोरल फ्रूटी, यंग यंग एसेंस, डेमेस्कस रोज़, ब्लेंडेड जैस्मीन। तो ये डेली यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड सेकेंड जो परफ्यूम है वो है हिप्नोटाइज। दिस फ्रेग्रेंस इज मेड विथ बल्गेरियन रोज एंड ऑरेंज फ्लावर पचौली टू क्रिएट दिस कैप्टिवेटिंग फ्रेग्रेंस टू मेक द फर्स्ट इम्प्रेशन। अगर आप किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं तो आप इसको परफ्यूम को लगा सकते हैं। एंड थर्ड परफ्यूम जो है हमारा वो है मैजेस्टिक। इज स्पेशली मेड फॉर डेज वेन यू वॉन्ट टू पैम्पर योर सेल्फ। अगर आपको अपने आप को खुद को पैम्पर करना है तो आप इस परफ्यूम को लगा सकते हैं। एंड फील गुड अबाउट योर सेल्फ, दिस परफ्यूम इज मेड विथ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोरल और हिट्स, वॉयलेट्स, रोजेज एंड ब्लैकबेरी मस्क दैट विल अपलिफ्ट यू मूड एंड कॉन्फिडेंस इन जस्ट वन स्प्रे। अगर आपका मूड थोड़ा सा भी खराब है, आप अपने आप को वीक फील कर रहे हैं, तो आप इस परफ्यूम को लगाएं, एक बार स्प्रे जरूर करें, तो आप लोगों का जो मूड है ना वो एकदम से अच्छा हो जाएगा। फोर्थ परफ्यूम इज अ स्टनर। दिस परफ्यूम इज फॉर ऑल दोज लेडीज एंड फॉर ऑल डेज वेन यू वेंट ऑल योर आईज टू बी ऑन यू, एंड दैट इज वाई दिस परफ्यूम इज मेड विथ अ आर्टिस्टिक कंपोजिशन ऑफ ग्रीन लीव्स, वाटर लोटस, सिट्रस, कोकुम्बर एसेंस ऑफ लेवेंडर, मिराबेले एंड ब्लेंड ऑफ सेडरवुड एंड पचौली मस्क। एंड इसके साथ में जो है ये है ग्रीन एप्पल, मिंट, लेवेंडर, ग्रेप फ्रूट एंड बेसिल एसेंस ऑफ सेग। तो ये इन सारी चीज़ों से मिलकर के बना हुआ। अगर आप रोमांटिक डिनर के लिए जा रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ में, तो इस परफ्यूम को लगा सकते हैं गाइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द परफ्यूम इज मैग्नेट। दिस इज अ सुइटेबल फ्रेग्रेंस फॉर द डेज व्हेन यू वेंट टू क्रिएट अ रेबल इन द वर्ल्ड एंड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। दिस परफ्यूम इज मेड टॉप नोट्स ऑफ नेरोली एंड ब्लैक पेपर, हार्ड नोट्स एंड जैस्मीन रोज एंड नाइट ब्लूमिंग कैरस ब्लेंडेड विथ वेनिले एंड कैशमेयर वुड, विच गिव्स यू द कॉन्फिडेंस टू राइज योर वॉइस फेयरलेसली। सो गाइज, ये 6 पीसेस का सेट है। इसमें जो है हमें पर बॉटल जो है 10 ml की मिल जाती है, और 36 मंथ तक इसकी सेल्फ लाइफ होती है। एंड इसका जो रेट है वो भी आप लोग अगर सुनोगे तो आप लोग भी एकदम शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि आप लोगों को इतने प्राइस में एक ही बॉटल मिलेगी परफ्यूम की, लेकिन यहाँ पे हमें 6-6 बॉटल मिल रही है, वो भी अलग अलग फ्रेग्रेंस के साथ में। इसका जो प्राइस है वो 599 रुपीज़ है।
ठीक है। और इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह से है, इसका इसके साथ में हमें टेस्टर भी मिल जाता है। और ये जो परफ्यूम है ये सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं है, न्यूड ने एक स्पेशल गिफ्ट बॉक्स लॉन्च किया है मैन के लिए भी, जिसमें आप लोगों को 6 फ्रेग्रेंस के परफ्यूम मिल जाते हैं। तो देर किस बात की है, आप लोग जाइए www.nude.co.in पर। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। और अगर आप लोग ये परफ्यूम परचेज करना चाहते हैं तो आपको ये जो है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की वेबसाइट पर भी ये मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, अभी मैं हो गई हूँ रेडी, क्यों चलें क्या? चलो चलो चलो। हाँ चल। सो गाइस, अभी हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है और नमाज़ भी पढ़ लिया, आज जुमा था। और गाइस पता है, मुझे पता था कि लोग वक्त मेरा मजाक बनाएंगे बनाएंगे, मुझे पता है। क्योंकि पता नहीं क्यों मैं ना इतनी जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। जब भी मैं अपने शेपरी वाले घर के बारे में बात करूँ या फिर अपने सास ससुर के बारे में बात करूँ ना, तो मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। बस इसी इमोशनल का, इमोशंस रुकते नहीं है मुझसे, बिल्कुल नहीं रुकते। अगर मुझे रोना आता है ना तो सिर्फ रोना ही आता है। और मैंने कल इतना ज़्यादा कंट्रोल किया, इतना ज़्यादा कंट्रोल किया कि मैं नहीं रोऊंगी नहीं रोऊंगी, लेकिन फिर भी पता नहीं कि मुझे रोना आ गया। और लोगों ने इसको नौटंकी समझ लिया, इसको मजाक समझ लिया, क्योंकि हम किसी की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते हैं। आजकल की दुनिया बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं ना, हम यहाँ पे अपने आंसू तक शेयर नहीं कर सकते हैं किसी को, क्योंकि यहाँ पे मजाक बनाने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अपनी फैमिली की कोई भी सीक्रेट बातें शेयर नहीं कर सकते, मजाक बनाने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। बस यही कि ना, मैं अपने इमोशंस नहीं छुपा सकती हूँ। मुझे मैंने इतना कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी पता नहीं कि मुझे आंसू आ गए और आप लोग समझ गए और आप लोगों ने बोला कि नौटंकी कर रहे हैं। खैर नौटंकी ही सही, आप लोग अगर इस चीज़ को, रियल वाली चीज़ को अगर नौटंकी समझते हैं तो नौटंकी ही सही। पता है, मैंने ना सोचा था कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी आप लोगों को, क्लियर करूंगी, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं अपनी सारी चीज़ें नहीं क्लियर कर पा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ बस अल्लाह है मेरे साथ में, अल्लाह ही मेरा इंसाफ करेगा सब जो भी कुछ है। और बस यहाँ पे अभी ये चले गए हैं भैया की, आज छत डल रही है तो चले गए। हुरैन भी अभी सो गई झूले में लेटी लेटी, तो उसको भी अभी मैं यहाँ लिटा देती हूँ, क्योंकि खाना हमारा हो चुका है। और पता, मुझे तो ये चीज़ लगती है कि यार, आप अगर अपनी दिल की चीज़ें अगर किसी के साथ में शेयर करोगे ना, तो बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पे मजाक बनाने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आपका दर्द कोई नहीं समझेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं लोग बाग। और यहाँ पे मैं मानती हूँ कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहाँ पे हमारा मजाक भी बनता है, हमारी अच्छाइयाँ भी होती हैं, हमारी बुराइयाँ भी होती हैं। और क्योंकि हम क्या लग रहे हैं यार, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, और भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, उनको भी ट्रोल किया जाता है, तो हम कौन सी चीज़ हैं भाई, हम कौन सी खेत की मूली है जो हमें ट्रोल नहीं किया जाएगा। लोगों को कुछ पता तो रहता नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जो है ना टोंट कसने हैं, तो वो कसते ही रहे, हमारा उनसे कुछ नहीं जाता है। अपनी दिन भर की जो भी उनके घर की भड़ास होती होगी ना, वो सब जो है यहाँ पे आकर के उतार देते हैं। वो भी ठीक है, चलो झेल लेंगे, कोई बात नहीं है। पहले, सबसे पहले जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी ना, मैंने एक बात बताऊँ आप लोगों को, तब तो मुझे ना इतना ज़्यादा रोना आता था, इतना ज़्यादा रोना आता था। लेकिन फिर इन्होंने मुझे समझाया, बाजी ने समझाया, आशमा बाजी ने, कि हमें भी ऐसे ही कमेंट्स आते हैं, लेकिन हम सब्र करते हैं, क्योंकि हमें कोई नहीं समझ सकता है। और हम किसी को समझाना भी नहीं चाहते यार, हम अब हैं कौन, हम किसको समझाएंगे। हम अपने रिलेटिव्स को समझा सकते हैं, हम अपने अपने परिवार को समझा सकते हैं, लेकिन आपको कैसे समझाएंगे, आप नहीं समझ सकते इन चीज़ों को। तो आप अगर, आप नहीं समझ सकते यार। खैर बस यहाँ पे भी ना, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी इस टॉपिक पर। मुझे खैर छोड़ो यार। और दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं कि कमेंट आया था कि आप होरेन को कौन सा मिल्क देती हैं, तो मैं अभी उसको जो है ना गाय का दूध दे रही हूँ, क्योंकि क्योंकि
क्योंकि मेरा जो मिल्क है ना तो वो उसको सफिशियंट नहीं हो पाता है, तो इसीलिए जो है ना मैं अभी उसको गाय का दूध दे रही हूँ। तो अभी बच्चे का पेट भी भरा रहेगा तो बच्चा खुश भी रहेगा, वरना तो मैं लगातार रोना रोना रोना, और हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि भाई बच्चे का पेट नहीं भर पा रहा है तो हम क्या करें उसके लिए। पहले जो है ना मैं उसको लैक्टोजन करके एक पाउडर आता था, मिल्क पाउडर, मैं उसको वो दे दी थी जो 0 to 6 month के लिए होता है। लेकिन अभी मैंने उसको जो है ना गाय का दूध स्टार्ट करा दिया, मैंने इसको जो है ना 3rd month से ही स्टार्ट करा दिया था गाय का दूध, तो अभी उसके लिए सही है। और डॉक्टर लोग भी यही सलाह देते हैं कि अगर माँ का दूध नहीं है तो उसको बच्चे को जो है ना बकरी का या फिर तो गाय का दूध देना चाहिए, तो बस इसलिए मैंने गाय का दूध ही स्टार्ट करा दिया उसको। ठीक है, तो होप आप लोगों को सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जवाब क्या दिया, सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दिया मैंने आप लोगों को, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, पता नहीं आज क्या हो रहा है मुझे। तो बस चलिए फिर, मैं ना अभी टाइम हो गया है 3:36, मैं ले आती हूँ होरन को यहाँ पे, और फिर हम लोग थोड़ा सा सो जाते हैं, वरना क्या है ना मैं दिन में सो नहीं पाती हूँ और रात में फिर मुझे जागना पड़ता है होरन की वजह से। होरन तो अपनी नींद पूरी कर लेती हैं। चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड भी यहीं कर देती हूँ, मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट। अपना ख्याल रखें और अपनों को प्यार दें, अपनों का ख्याल रखें, स्पेशली माँ बाप का, क्योंकि वो हमारे लिए जन्नत है। बस इतना ही कहूँगी।